छतरपुर जिले के घुवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात शिशुओं के प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रसूताओं और उनके परिजनों से अवैध वसूली का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये घोटाला जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ड्रेसर और NMA के द्वारा किया जा रहा है। इस पूरे मामले में ड्रेसर सुनील चौरसिया के जैसे लोग जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि NMA R.K. जैन सहित ड्रेसर सुनील चौरसिया के द्वारा प्रसूताओं के परिजनों से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर लगातार अवैध वसूली की जा रही है। वही प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की गारंटी लेकर गरीब मरीजों को ये लोग ठगने में जुटे हुए हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ड्रेसर सुनील चौरसिया और NMA R.K. जैन सहित अस्पताल में मौजूद प्रसूताओं के परिजनों से 500 से लेकर 600 रुपयों की अवैध वसूली कर रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि NMA R.K. जैन का काम फील्ड वर्क का है, वहीं ड्रेसर सुनील चौरसिया को मरीजों की पट्टी बांधने आदि के लिए नियुक्त किया गया है, लेकिन यहां दोनों कर्मचारियों की मिलीभगत से जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और इन कर्मचारियों के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर हजारों रुपयों की लूट गरीबों से की जा रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर जनता से पैसे ऐंठने वाले ड्रेसर सुनील चौरसिया और NMA R.K. जैन के द्वारा लगातार 2014 से जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं और इसके द्वारा लगभग 8,000 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र जारी भी कर दिए गए हैं।